ICMR में द्वारा जारी की गई NIN यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन में आपकी वैकेंसी के बारे में। इसके लिए आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा और आपके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में बात करेंगे। संक्षिप्त में आप लोगों को मैं नोटिफिकेशन की जानकारी दूंगा जल्द से जल्द, ठीक है, और कंप्लीट जानकारी रहेगी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में। डेली ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी और अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस वीडियो को लाइक। तो बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में, ठीक है, इसकी नोटिफिकेशन के चल की तरफ चलते हैं जहाँ पर डिटेल और जानकारी दोनों दे सकूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा ICMR NIN, ठीक है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको नोटिफिकेशन आपको देखने में देख सकते हैं 17/7/2023 को। यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी पे लेवल 6, टेक्नीशियन ग्रुप सी पे लेवल 2 और लेबोरेटरी अटेंडेंट की ग्रुप सी पे लेवल 1 की आपकी वैकेंसी 24/7 से लेकर 14/8 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका डेट और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा CBT 100 मार्क का, सितंबर, डेट विल बी अनाउंस लेटर। यह इसके आप यहाँ पे देख सकते हैं हेल्प डेस्क है, जीमेल आईडी और फ़ोन नंबर। यहाँ पे बात करें फीस की, पर फिजिकल डिसेबिलिटी एग्जम्प्ट रहेंगे फीस से, आपका SC ST है और एक्स वूमेन है, एक्स सर्विस मैन है, 1000 पे चार्ज, 1200 पे चार्ज रहेगा आपका, ठीक है। ICMR एम्प्लॉय आर नॉट एग्जम्प्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन फी, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट आपका दे सकते हैं ऑनलाइन नेट बैंकिंग, यहाँ पे आप इससे कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी पोस्ट के दे सकते हैं जो कि टेक्निकल असिस्टेंट की पे लेवल 6-7 CPC 35 से 1,12,045 पोस्ट हैं। यहाँ पे आपके पोस्ट के बारे में दे रखा है तो यहाँ पे आप नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी कंप्लीट डिटेल है, T12, T13 कंप्यूटर साइंस की, इनके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और यहाँ पे आप दे सकते हैं आपकी वैकेंसी है पे लेवल 2 टेक्नीशियन 1, 33 पोस्ट हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिसिप्लिन और आपकी पोस्ट के बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लाइब्रेरी आपका लेबोरेटरी अटेंडेंट की यहाँ पे आपको दे सकते हैं पे लेवल 1 7, 18,856, 38 पोस्ट हैं, हाई स्कूल पास, 50% आपका एग्रीगेट रखा है लेबोरेटरी की, ये आपको डिटेल दे सकते हैं, ठीक है। एज रिलेक्शन 14/8 तक रखा गया है 2023 तक। यहाँ पे पोस्ट कोड T0 से लेकर 14 तक 30 और T01 से T5 तक 28 और आप जिसके LA 01 से 05 1825 रखी गई है, ठीक है। बाकी आप डिटेल यहाँ पे आप एज रिलेक्शन के बारे में अन्य चीज़ों के बारे में जानकारी यहाँ से आप दे सकते हैं, खुद चाहे तो मैं वीडियो बना दूंगा आपको पूरी जानकारी। तो फ्रेंड यहाँ पे आप दे सकते हैं किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, इसके इसके लिंक की तरफ चलेंगे। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन स्टेप, फिल एप्लीकेशन, पेमेंट और प्रिंट, ये आपको 4 स्टेप में करना है। तो मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे क्लिक करूँगा, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रजिस्टर करेंगे इस वैकेंसी के लिए, तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन का नाम, मैं अपना नाम दे देता हूँ, यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार नंबर यहाँ पे आपको देना है, फिर रजिस्टर पे यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करेंगे तो रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपका पासवर्ड है, आपका रिज्यू रजिस्ट्रेशन पासवर्ड और यहाँ पे आपको आईडी और कैप्चा को फिल करके लॉगिन करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं मेरे को, देखिए यहाँ से ICMR के द्वारा डिटेल आई है, आईडी और पासवर्ड देखो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन इन पे क्लिक करेंगे, साइन इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड यहाँ पे आपको करना है, ठीक है। तो मेरा ओल्ड पासवर्ड था जो मैंने कॉपी कर रखा है वो डाल दिया, यहाँ पे मैं पासवर्ड बना लेता हूँ। देखिए 8 करेक्टर का होगा, एक अपर केस, एक लोअर केस, एक न्यूमेरिक वैल्यू और स्पेशल करेक्टर के माध्यम से आपको बनाना है, यहाँ पे स्पेस यहाँ पे आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपने पासवर्ड चेंज करने के बाद दोबारा से यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा को फिर से फिल करेंगे, साइन इन दोबारा से करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फिल एंड सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म पे आ चुका हूँ, यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया। आपका जो है देखिए रिलेशन टाइप क्या है आपको आपको बताना है, जो भी यहाँ पे आप देना चाहते हैं, फादर सन ऑफ आपका यहाँ पे डालना है, तो यहाँ पे आप, मैं डाल देता हूँ फादर का नेम तो महेश मैंने डाल दिया। आपका सोशल स्टेटस, आप किस टाइप के, यू आर के, आप OBC इकोनॉमिक सेक्टर है तो यहाँ पे डालेंगे, जेंडर मेल फीमेल, मोबाइल नंबर यहाँ पे देख जाए, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी है, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, सेलेक्ट आपका पोस्ट, आप किस टाइप की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। पोस्ट कोड यहाँ पे मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। एप्लीकेशन आपका UR कैटेगरी, यहाँ पे आपका डिसिप्लिन, लेबोरेटरी, यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको देखना है, सिटीजन यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। जो वैकेंसी उसी के अनुसार यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मैं दूसरा दिखा देता हूँ। टेक्निकल का यहाँ पे आएगा, पोस्ट कोड यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया, इसी तरीके से यहाँ पे आप दे सकते हैं।
ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को बताने के लिए किया है, मैं लेबोरेटरी अटेंड कर लेता हूँ फिर से। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लिया, ये आपको देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू आर यू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई सिविल एम्प्लॉई वो फुलफिल द कंडीशन प्रेस्क्राइब द डिपार्टमेंट DOPT, यहाँ पे आपको यस या नो करना है। ICMR फंडेड प्रोजेक्ट यस या नो कर दीजिए। लैब आपका एक्सपीरियंस है, एक्सर्विसन नो यस। आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं, आपका हाउस नंबर, विलेज, पोस्ट ऑफिस, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, यहाँ पे आपको बताना है। नेम ऑफ बोर्ड, नेम ऑफ स्कूल, ठीक है, हाई स्कूल की जानकारी देंगे, एड्रेस आपके स्कूल का, मंथ पासिंग, ईयर पासिंग, आपका रिजल्ट क्या आता, मार्क्स, CGPA, परसेंटेज क्या आते हैं यहाँ पे बताएंगे। प्रेफरेंस यहाँ पे आपको देनी है, आप किस स्टेट में देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक स्टेट है सेलेक्ट कर लेता हूँ, प्रेफरेंस टू यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके अपनी प्रेफरेंस को आप सेलेक्ट करते जाइए अपने अनुसार, ठीक। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है जो कि 20 KB से 500 KB के बीच में, ठीक है। इसी तरीके सिग्नेचर 20 KB से 500 KB। आई डिक्लेरेशन पर यहाँ पे क्लिक करेंगे, डिस्प्ले पर प्रीव्यू यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी सबमिट हो जाता है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आपका रहेगा, पेमेंट का ऑप्शन रह जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं प्रीव्यू पे क्लिक टिक करूँगा। तो प्रीव्यू टिक करने के बाद जो जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको उस पर टिक करना, आई हेयर बाई डिक्लेयर, और सबमिट में यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। सो आपकी जो जो डिटेल फिल करी थी वो आपको देखने को मिल जाएगी। मैंने ओके पे क्लिक कर दिया है। यहाँ पे आप देखिए पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आई एग्री पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, पे नाउ पे यहाँ पे आ रहा है। आपकी जो फीस है आप देखने को मिल जाएगी। नेट बैंकिंग किस माध्यम से करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप चुन लीजिएगा। तो मैं नेट बैंकिंग कर लेता हूँ, 1217 से आपके हो गए इस तरीके से, और यहाँ पे आपको पे नाउ पे टिक कर देंगे। तो फ्रेंड इस तरीके से यहाँ पे आप जो है वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि ICMR NIN की वैकेंसी के लिए। आई होप जानकारी और वीडियो दोनों अच्छे लगे हों। ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखें, धन्यवाद।